लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत एक युवती के साथ उसी के ही परिचित व्यक्ति द्वारा विनय भंग करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। 2 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे के दरमियान 22 वर्षीय फिरियादी ये अपनी मोपेड गाड़ी से घर जा रही थी, जिस दरमियान फिरियादी के परिचित आरोपी पारस बजाज ने फिरियादी का पीछा किया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। फिरियादी ने जब फोन कर अपने मित्र को बुलाया, तब आरोपी ने उसके साथीदारों के साथ मिलकर फिरियादी के मित्र को अश्लील गालियां देकर उसके साथ मारपीट की। इस संदर्भ में फिरियादी ने लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस उप निरीक्षक जितेशाचारी आर पेले ने अधिक जानकारी साझा की। 2 ऑगस्ट रोजी 7:30 वाजता घरी जात होती, त्याच्या ओळखीतला एक मुलगा 28 वर्षाचा, तर ते फिर्यादीचा पाठलाग करून तिचा विनयभंग केला। त्यामुळे फिर्यादीने तिच्या मित्रास फोन करून बोलवले असता तो मित्र आला होता, आणि या दरम्यान आरोपीच्या मित्रांनी त्या फिर्यादीच्या मित्राला मारहाण केल्याचा तक्रार होती। त्यावरून आम्ही पोलीस स्टेशनला 354D, 323, 504 आणि 34 अन्वय गुन्हा दाखल केला। बीते कुछ दिनों पहले ही शहर में एक नाबालिग लड़की के साथ ही रात में 2 बार गैंग रेप करने का मामला सामने आया था। उसके बाद ऐसे विनय भंग के मामले सामने आना कई सवाल खड़े करती है। साथ ही ऐसी घटनाओं से फिर यही सवाल सामने आता है कि क्या उपराजधानी नागपुर महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।